इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। यहूदियत को मानने वाला यह इसराइल जो अपनी सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक दृश्य हाल ही में हमास द्वारा दागी गई मिसाइलों को पटाखों की तरह उड़ाने का आया। 11 मई की रात एक वीडियो आया जिसमें रॉकेट के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने निशाने पर पहुंचने से पहले ही हवा में खत्म हो जाते हैं। देखकर लग रहा है मानो कोई आतिशबाजी हो रही है। इन मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने वाली एक चीज जिसका नाम है आयरन डोम, एक तरह का लोहा कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। आजकल इजराइल की एक शक्तिशाली कवच यह खूबसूरत चर्चा में है कि आखिर क्या है आयरन डोम और यह कैसे काम करता है। मैं विष्णु बेनीवाल आज एम स्टडी के साथ आपका स्वागत करता हूं और आज आयरन डोम के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैप में देखें तो इजराइल के साउथ में स्थित सिडेरो शहर, जो कि गाजा की सीमा पर स्थित है, इस छोटे से नगर पर 2001 में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हमास ने एक मिसाइल दागी। गाजा पर से यह मिसाइल दागी गई और गाजा पर वर्तमान में हमास का कंट्रोल है। यह पहली बार था कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट छोड़ा। इससे पहले हमास इजराइल पर सुसाइड अटैक की नीति को अपनाया करता था, लेकिन 2001 के बाद नीति में बड़ा बदलाव हुआ और 2001 से हमास ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिससे हमास को और भी कई सारे देशों की सहायता मिली और सबसे महत्वपूर्ण ईरान से। 2011 तक आते आते इसराइल की राजधानी तेल अबीब और जेरूसलम जैसे शहरों तक हमास की मिसाइलें पहुंचने लगी और एक दशक में हमास काफी हद तक शक्तिशाली हो गया। तो क्या इसराइल इस बीच हाथ पे हाथ धरे बैठे था? आंसर है नहीं। इसराइल अपने ताकत को बढ़ाने के लिए इन मिसाइलों अटैकों से बचने के तरीके सोचने लगा, क्योंकि केवल हमास ही नहीं बल्कि 2006 में लेबनान वॉर के समय हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर काफी हद तक रॉकेट लॉन्च किया। 4000 के लगभग रॉकेट इसराइल की जमीन पर हिजबुल्ला के द्वारा दागे, जिसमें लगभग 44 इसराइली नागरिक मारे। 2007 में इसराइल ने डिफेंस के लिए एक खास कवच विकसित करना प्रारंभ किया, जिसका मुख्य कार्य दुश्मन मिसाइल अटैक को विफल करना और आसमान में खत्म कर देना। इस डिफेंस सिस्टम को विकसित करने के लिए बहुत बड़ी रकम लगी, क्योंकि दुश्मन की एक रॉकेट को खत्म करने की लागत लगभग 40 से 80 लाख के बीच में आ रही है। डिफेंस सिस्टम को विकसित करने का जिम्मेदारी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने किया। 2011 में आयरन डोम ने पहली बार गाजा से आई हमास की एक रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया, यानी कि हमास के द्वारा भेजी गई पहली बार कोई मिसाइल को आयरन डोम के द्वारा गिराया गया। उसके बाद आयरन डोम इसराइल की डिफेंस सिस्टम का पोस्टर बॉय बन गया, यानी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला डिफेंस सिस्टम बन गया। पिछले एक दशक में आयरन डोम ने हजारों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। अब जानते हैं कि ये आयरन डोम आखिर काम कैसे करता है, किस तरह यह अपने काम को अंजाम देता है। यह कई सारी बैटरियों पे बनता है। यह बैटरी का मतलब चार्जिंग वाली बैटरी नहीं है, बैटरी रॉकेट को रोकने वाली एक यूनिट कहा जाता है। इस एक यूनिट में तीन मुख्य हिस्से होते हैं, रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। जैसे ही कोई रॉकेट फायर होता है तो रडार उस रॉकेट की स्पीड को और रॉकेट की दिशा को और किस रास्ते से वह रॉकेट जाएगा, वह कहां गिरेगा, इन सारी इंफॉर्मेशन को पता लगा लेता है। यह जानकारी रडार फौरन कंट्रोल सेंटर भेजता है और उसे वहां पर देखा जाता है कि यह मिसाइल कहां पर जाके गिरेगी। यदि वह मिसाइल कोई आबादी वाले स्थान पर या किसी इमारत पर या किसी महत्वपूर्ण स्थान पर गिरता दिखे तो उस मिसाइल को रोका जाता है, नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में उसे गिरने दिया जाता है। किसी रॉकेट को रोकना है तो इसका फैसला कंट्रोल सेंटर में रखे कंप्यूटर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को लगता है कि मिसाइल को रोकना है तो आयरन डोम के तीसरे हिस्से लॉन्चर को सिग्नल भेजे जाते हैं। लॉन्चर में कई सारे इंटरसेप्टर लगे होते हैं। इंटरसेप्टर एक प्रकार का मिसाइल है जो कि दुश्मन मिसाइल को खत्म करने का कार्य करता है। इंटरसेप्टर लॉन्च होता है जिसे कंट्रोल सेंटर से गाइडेंस मिलता रहता है। इस इंटरसेप्टर में एक छोटा सा रडार लगा होता है ज
जिसकी मदद से है वह कहां पहुंच जाता है दोस्तों, दुश्मन मिसाइल के नजदीक पहुंचता है और नजदीक जाकर उससे ब्लास्ट करता है। ऐसी स्थिति में बैटरी के ये तीन अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह से काम करते हैं। इनको किसी एक स्थान पर रखना आवश्यक नहीं है, इनको ट्रक के माध्यम से, मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जाता है। तो ये है आयरन डोम का मैकेनिज्म। अब लौटते हैं अभी के हालिया प्रकरण पर। आप सभी को पता है 10 मई को हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है और ऐसी स्थिति में यह जंग अभी भी जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं, जिसका खामियाजा गाजा और इजराइल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्यों हुआ यह अटैक, यह युद्ध प्रारंभ होने की असली वजह क्या है। इसराइल में स्थित एक शहर जिसका नाम है जेरूसलम, जहां पर स्थित है अल अक्सा मस्जिद, इजरायली पुलिस या इजरायली सशस्त्र बलों ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। इस कार्रवाई में लगभग 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हो गए और इसके जवाब में हमास ने सैकड़ों रॉकेट डाले। पिछले 40 घंटे में हमास ने लगभग 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे दक्षिणी इसराइल पर, परंतु इसराइल को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसराइल के पास है आयरन डोम, जिसकी वजह से वह हवा में ही उन मिसाइलों को खत्म कर सकता है। और युद्ध में जीत किसी भी पक्ष की हो, मगर हार हमेशा मानवता की हो। उसने ही पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया है, जिसने जिंदगी के युद्ध में खुद को विजय पाया है। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विष्णु एनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। राधे राधे।